नमस्कार किसान भाइयों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में प्याज के ताज़ा भाव तेजी मंदी रिपोर्ट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें किसान भाइयों इस सप्ताह प्याज के भाव में पाँच सौ रुपये की तेजी देखने को मिली और प्याज का भविष्य आगे भी अच्छा दिखाई दे रहा है प्याज के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र की अहम मंडी गांव में प्याज के थोक भाव एक जून को 400 से चौबीस रुपए थे जो आज बढ़कर 800 से तीन हज़ार रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं यानी प्याज के भाव में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है इसी दौरान मंडी में प्याज के मॉडल कीमत है दो हज़ार रुपये से बढ़कर चौबीस सौ पचास रुपये प्रति क्विंटल हो गई है यानी प्याज के भाव में पाँच सौ रुपये की तेज़ी देखने को मिली तो वहीं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान प्याज के थोक भाव सात सौ पचास से दो हज़ार रुपये थे जो बढ़कर एक हज़ार से छब्बीस सौ रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए यानी आज़ादपुर में इस सप्ताह छः सौ रुपये की तेजी देखने को मिली मोर मंडियों में प्याज के दाम बढ़ने से खुदरा बाजार में प्याज के भाव में थोड़ी बहुत तेजी दिखाई दे रही है केंद्रीय उपभोक्ता मामलों की के विभाग के आंकड़ों के अनुसार एक जून को देश भर में प्याज का औस्त खुदरा भाव इकतीस रुपये चौरासी पैसे था यानी उपभोक्ता मंत्रालय की माने तो एक, एक जून को प्याज के औस्त भाव इकतीस रुपये चौरासी पैसे थे जो बढ़कर अब तैंतीस रुपये प्रति किलो हो गए हैं यानी उपभोक्ता मंत्रालय की माने तो इस सप्ताह दो रुपये प्याज के भाव में बढ़ोतरी हुई है देश भर में ओवरऑल इसी दौरान दिल्ली में प्याज के औस्त खुदरा भाव तीस से बढ़कर पैंतीस रुपये और महाराष्ट्र में अट्ठाईस से बढ़कर इकतीस बत्तीस रुपये हो गए हैं किसान भाइयों प्याज के भाव बढ़ने की वजह विशेषज्ञों का कहना है कि मंडियों में प्याज के भाव किसानों के कम मिलने से प्याज की आवक अदाना कम हुई और प्याज के अचानक कम होने से प्याज के भाव में तेजी देखने को मिली एजेंसी एक मार्केट के मुताबिक इस महीने में सात दिनों के दौरान मंडियों में करीबन दो दशमलव चार तीन लाख टन प्याज की आवक हुई जो पिछले साल की सम्... पिछले महीने की अवधि के, के अनुसार चालीस फीसदी कम थी यानी इन दिनों दो दशमलव चार तीन लाख टन प्याज की आवक सप्ताह भर में हुई जो पिछले सप्ताह से काफ़ी कम थी इस अवधि के दौरान सात दिनों में पच्चीस से कत... मई में को करीब यानि पिछले सप्ताह करीब दो दशमलव छः सात लाख टन प्याज की आवक से करीब नौ फीसदी कम है आपको बता दें कि महाराष्ट्र के प्याज कारोबारी विजय बाफना ने बताया कि बीते महीने में भाव कम मिलने के कारण किसानों ने मंडियों में प्याज कम लाए जिससे मंडियों में प्याज के भाव में पाँच सौ रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी देखी गई आवक आगे कम होने से प्याज के भाव में अच्छी तेज़ी बनेगी जी हाँ किसान भाइयों दिल्ली की आज़ादपुर मंडी के प्याज कारोबारी पीएम शर्मा कहते हैं कि मंडियों में अच्छा माल कम आ रहा है जिससे अच्छी गुणवत्ता के प्याज में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है किसान भाइयों बड़े कारोबारियों की माने तो आगे आने वाले दिनों में प्याज का अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा है और प्याज के भाव में अच्छी तेज़ी बनने की संभावनाएँ हैं धन्यवाद